नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज फिर मैं एक वास्तु के चक्र वाला वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा। और ये जो एग्जांपल दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ, बड़ी मज़े की बात है कि ये जो नक्शा मैंने मंगवाया है ये एक वास्तु चक्रा वाला ही वास्तु कंसल्टेंट है जिसने ये नक्शा भेजा है मेरे पास और उसका बार चार्ट बना के भेजा है। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा उस वास्तु कंसल्टेंट का जिसने ये भेजा है, वरना ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी इन सब की। और काफ़ी फेमस है वो चक्रा वाले कंसल्टेंट्स में दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा फ्रॉड चल रहा है। आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जिस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ज़बरदस्ती बैठे बैठे एक नई चीज़ ईजाद कर दो और उसको अप्लाई कर दो सारी दुनिया के ऊपर, उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। बाकी जो सारे मेन जो मेथड्स हैं वास्तु करने के, उनको तुम बिल्कुल ख़त्म कर दो और अपने एक ज़बरदस्ती का जो तुमने एक चक्रा बना लिया है, मेरे पास चक्रा भी मैंने मंगाया है, उसी कंसल्टेंट से मंगवाया है, उन्होंने ये चक्रा भी मेरे को भेजा है। ये इस तरीके का चक्रा है दोस्तों, इसके चक्कर में मत फंसना। ये वास्तु का सबसे बड़ा फ्रॉड है अब तक का। इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका कोई बेस नहीं है दोस्तों वास्तुशास्त्र में, क्योंकि ये जो चक्र है शायद ये गोल प्लॉट पे काम कर सकता है। जो गोल प्लॉट बन रहा हो ना, शायद उस पे काम, उस पे भी नहीं करेगा, क्योंकि वास्तु में जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जो ग्रिड बनाए जाते हैं, जो पद बनाए जाते हैं, बेसिकली पद बोलते हैं उनको, वो इस तरीके से नहीं होते दोस्तों। वो इस तरीके से ही आर्क शेप के पद जो बने हुए हैं, इसमें ग्रिड बोलते हैं इनको, ये वो नहीं बनते। और ब्रह्म स्थान इन्होंने देखो गोल कर रखा है दोस्तों, ये कितना बड़ा फ्रॉड है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि एक जो मेरे पास मैप आया हुआ है, वो मैप परफेक्ट वास्तु से बना हुआ है और उस पर आज मैं इस चक्र को रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस मैप में कितनी कमियां निकाल दी हैं उस कंसल्टेंट ने, और उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट उनको, दुनिया भर के प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बताए थे। आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। तो प्रोडक्ट्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, उसमें मैं और डेटा इकट्ठा करके लाऊंगा, उसमें मैं वास्तु की पूरी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जो ये कंसल्टेंट्स किसी भी कस्टमर को देते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा दोस्तों कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ये जो चक्कर वाले कंसल्टेंट हैं इनसे बहुत दूर रहे दोस्तों, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वालों से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो कम से कम ऑरा स्कैनर दिखा के तो पैसे मांगते हैं, ये तो ये चक्कर, ये एक 360 वाला डी ले रखा है इन्होंने और इसको दिखाकर ये पैसे मांगते हैं दोस्तों। इस चीज़ की वास्तु शास्त्र में कोई ज़रूरत नहीं थी, वास्तु के किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में इसका कोई विवरण नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं गोल प्लॉट नहीं बना हुआ। और गोल प्लॉट भी अगर बना हुआ है तो वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हानिकारक होता है दोस्तों, इसलिए गोल प्लॉट कभी लेंगे नहीं कोई, इसलिए गोल प्लॉट कोई कभी रहने नहीं देगा। तो आखिरी में दोस्तों प्लॉट बनता है स्क्वायर या रेक्टेंगल। अब इसे अगर अच्छे बने, आज मेरे पास जो नक्शा आया हुआ है वो वास्तु वाले ने ही बना के भेजा है और इसी चक्कर वाले ने, और उसके बाद उसने मुझे बताया कि इसमें भी कम से कम 2.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट लगेंगे सर, जब जाके ये नक्शा ठीक होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने नक्शे के ऊपर, देखते हैं दोस्तों क्या वास्तु वाला करता है उसमें, कैसे बिगाड़ा जाता है, कैसे ये सारा गेम बनाया जाता है, कैसे आपको लूटा जाता है इस चक्कर को दिखाकर। इस चक्कर के बाद बनाया जाता है एक बार चार्ट ताकि लोग इम्प्रेस हों, ताकि लोग सोचे कि हाँ कोई काम हो रहा है। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसी चक्कर को इस्तेमाल करके कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस है, ये नॉर्थ है इसका, यहाँ पे लिविंग एरिया बन रहा है, ये एज पर परफेक्ट वास्तु है। यहाँ पे लिफ्ट आ रही है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर आपकी स्टेयर केस आ गई, स्टेयर केस आपकी क्लॉकवाइज चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। फैमिली लाउंज आ गया, एक बेडरूम आ गया, टॉयलेट आ गया, पाउडर टॉयलेट आ गया, मास्टर बेडरूम आ गया साउथ वेस्ट में, साउथ में टॉयलेट आ गया, साउथ ईस्ट में किचन आ गई, किचन में ईस्ट वाली वॉल पे गैस आ गई और नॉर्थ वाली वॉल पे सिंक आ गए। ये एक परफेक्ट वास्तु से बना हुआ मैप है दोस्तों। अब उसके ऊपर वो चक्र वाले भाई साहब आए और उन्होंने रखा अपना चक्र इस तरीके से, ये उसने करा नॉर्थ, यहाँ पे ये इसके सेंटर में आ गया
ऐसे अब वो इसके ऊपर प्रिंट आउट निकाल के देते हैं आपको, ये आपका नॉर्थ आ गया। अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये देवता निकालेंगे अपने, और ये सारे अपने अपने इसके अकॉर्डिंग। अब उसमें ये बताते क्या हैं, ये बताते हैं कि ये इस तरीके से आप अपनी डायरेक्शंस मार्क कर लो इसमें। जैसे ये सेंटर में आपने निकाल लिया ना, ये आपने सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ पे आपका ये सेंटर आ गया है, इसके हिसाब से ये यहाँ पे आपका ये सेंटर है मेन। अब यहाँ से ये आपका कहीं नॉर्थ आएगा, ये आपका कहीं साउथ आएगा, यहाँ पे से नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से आएगा, इस तरीके से कुछ ये एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बार ग्राफ बनाने के लिए आप इन बॉक्सेस को काउंट कर लीजिए, मोटा मोटा कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये बना रखा है, और बॉक्सेस बनाने के बाद आप इसका बार चार्ट जनरेट कर लीजिए। ये बार चार्ट आ गया, नॉर्थ आपका ऊपर जा रहा है, ये इनका जोनल एरिया है दोस्तों सारी डायरेक्शंस का। अब इसमें ये काम गेम कैसे शुरू होता है, अब ये एक आपने नक्शा देखा, ये आपने नक्शा देखा दोस्तों, ये परफेक्ट वास्तु से बना हुआ नक्शा है। अब इसने इसके ऊपर चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद ये बार चार्ट बन के आया। अब बार चार्ट में नक्शा बिगाड़ दिया गया, नक्शा कैसे बिगाड़ा गया दोस्तों, ये इन्होंने एक एवरेज निकाल ली सारी डायरेक्शंस की। ये एवरेज है, ये अपर लेवल, ये लोअर लेवल, इस तरीके से इन्होंने लेवल बना ली अपने। अब जो इसमें आप एक चीज़ की रेमेडी कर सकते हो, या तो आप लोअर लेवल वालों को ऊपर कर दो, इनकी पावर को इंक्रीज कर दो, या जो अपर लेवल वाले हैं इनकी पावर कम कर दो। एक तरीके की आप रेमेडी कर सकते हैं, या तो इनको एवरेज पे ले आओ या इनको एवरेज पे ले जाओ। ये जो कम वाले हैं इनको एवरेज पे ले जा सकते हो आप, या ये जो ज़्यादा वाले हैं इनको कम करके एवरेज पे ला सकते हो। इस तरीके से ये फ्रॉड चला दोस्तों। अच्छा वाला एक नक्शा था हमारे पास, ये रहा, ये परफेक्ट वास्तु से बना हुआ नक्शा है। अब क्योंकि ये जो चक्कर बनाने वाले, ये जिसने ये चक्कर बनाया है, ये है एक लालची वास्तु कंसल्टेंट। इसके लालच की ये सीमा है कि इसने यहाँ पे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है वास्तुशास्त्र में, बिल्कुल गलत है ये चक्रा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे बार चार्ट देख रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वास्तु से बना हुआ परफेक्ट मैप है। इसमें ज़बरदस्ती आपके ऊपर पहले चक्र दिया गया आपके हाथ में, कि आप इस चक्र से इसको देखिए, ताकि ये अच्छा वाला नक्शा ख़राब हो जाए। और इसमें इसमें भी दोस्तों इन्होंने बहुत चीज़ें बना रखी हैं, कि ये नॉर्थ में आपका जैसे ये इस तरीके से आ रहा है ना, ये हमने सेंटर निकाला था, इसमें अगर यहाँ पर आपकी गैस आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है गैस, तो ये गैस भी गलत है। गैस तो इनकी पता नहीं कहाँ आनी चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पे इसमें कहीं आनी चाहिए गैस, ये इस एरिया में शायद बताते, मेरे को नहीं पता, मैं ये चक्र वाला वास्तु नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता। ये एज पर जो वास्तु वैदिक वास्तु चलता आ रहा है उसके हिसाब से परफेक्ट है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा मॉडिफिकेशन, कि ये परफेक्ट तो सबकी बनी हुई है, अब इसमें पैसा कैसे कमाएगा, ये लालची कंसल्टेंट है। अब ये लालची कंसल्टेंट ने क्या करा, इसने ये बार ग्राफ बना दिया, बार ग्राफ बना के इसने बोला कि या तो इसको कम कर लो या इसको बढ़ा लो। ना तो इसमें कुछ बढ़ा हुआ है दोस्तों, ना इसमें कुछ घटा हुआ है, ये चक्कर लगा के ये डायरेक्शंस ही गलत निकालता है। अब अगर किसी की टिल्टेड डायरेक्शन होगी, मान लीजिए किसी का नॉर्थ यहाँ आ रहा है, ये इसका नॉर्थ आ रहा है, तो इसके हिसाब से ईस्ट तो यहाँ कट हो गया, एक ही साइड दो डायरेक्शन, यहाँ नॉर्थ और यहाँ ईस्ट कभी कट नहीं हो सकता। तो ये मेथड तो यहाँ भी दोस्तों फेल हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ नॉर्थ कट करेगा तो यहाँ कहीं साउथ कट करेगा, यहाँ कहीं वेस्ट कट करेगा, ये दो डायरेक्शन में कोई दिशा ही नहीं आ रही है, ये खाली हो गई। तो दोस्तों ये मेथड हर तरीके से गलत है, कभी भी वास्तुशास्त्र में एक ही साइड पे दो डायरेक्शन कट नहीं करती। और अगर आप भी इसी चक्कर में फंस गए हैं दोस्तों, तो आज ही इस चक्कर से निकल जाइए। ये बार चार्ट, ये वास्तु का चक्रा दोस्तों, ये सब फ्रॉड है, ये वो वास्तु नहीं है जो हमारे वेदों में लिखा गया है, ये सेल्फ क्राफ्टेड और सेल्फ ड्राफ्टेड वास्तु है। इसको सेल्फ क्राफ्टेड और सेल्फ ड्राफ्टेड वास्तु बोलेंगे, और ये वास्तु वो वास्तु नहीं है जो हमारे वेदों में लिखा गया है।
और जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ये है एक लालच का वास्तु दोस्तों। आप इस लालच का शिकार ना हो दोस्तों। अगली बार कभी भी किसी कंसल्टेंट को बुलाएं तो ध्यान करिएगा, ये चीज़ें ना इस्तेमाल कर रहा हो आपका कंसल्टेंट या आपका आर्किटेक्ट, क्योंकि ये वास्तु वाले दलाल भी हैं दोस्तों। ये आर्किटेक्ट भी अपने ही वो बता देते हैं कि आप इससे नक्शा बनवा लो फिर मेरे पास आ जाओ। इसीलिए दोस्तों अगली बार जब भी किसी कंसल्टेंट को आप अपने घर में बुलाएं तो ध्यान करिएगा वो ये लेके ना आ रहा हो, क्योंकि ये है लालची कंसल्टेंट, ये है फ्रॉड कंसल्टेंट दोस्तों। इसमें ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपनी कमाई करेंगे जैसे आपने बुलाया, फिर आप कोई आर्किटेक्ट बता देंगे कि उस आर्किटेक्ट से काम करवा लो क्योंकि वहाँ पे इनका कमीशन फिक्स्ड है। उसके बाद ये आर्किटेक्ट आपको ये सब बकवास बना के देगा, ये वास्तु का चक्र लगा के देगा दोस्तों, फिर ही अपनी कमाई करेंगे दोस्तों आपको प्रोडक्ट बेचकर। ये अच्छा भला ये जो मैप है ये परफेक्ट वास्तु से बना हुआ मैप है, और यहाँ पे भी इस मैप में भी दोस्तों इन्होंने कमियाँ निकाली हैं, और लगभग 2.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट इस मैप में उस कंसल्टेंट ने मुझे बताए हैं कि इसमें लगेंगे। वो रिपोर्ट मेरे को 2 से 3 दिन में बना के भेजेगा, मैं वो रिपोर्ट में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे कैसे उसने क्या क्या प्रोडक्ट बताए हैं मेरे को, कैसे कैसे इनका फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।